गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में आज हम क्लास फिफ्थ का जो आपका हमने चैप्टर कल शैडो माई शैडो आपको पढ़ाया उसकी आज एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आप स्टार्ट हो जाइए, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत अटेंशन ये मुद्रा में आप बैठिए जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और आप लिखो कि मैं क्या इसका आंसर बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके वीडियो रोक रोक के आप इनके आंसर लिख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया या आप नहीं बना सकते हो इसका चैप्टर पढ़ के, तो फिर आप वीडियो रोक के इसको देखिए। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा देखोगे सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक। हु कौन डू यू थिंक, डू यू थिंक कौन सोचता है ऐसा योर शैडो लुक लाइक, कि आपकी शैडो हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक, कौन ऐसा सोचता है कि आपकी जो शैडो है वो लुक लाइक दिखती है, तो कौन सोचता है। आई थिंक माई शैडो लुक, इसका उत्तर सिर्फ इतना लिख दोगे आई थिंक माई शैडो लुक लाइक मी, ठीक लुक लाइक मी। तो आई सिर्फ इसका आंसर है, कुछ नहीं है उसमें। आई देखो मैं बताता हूँ आपको, सॉरी ठीक है। तो आई थिंक हु की तो जगह जो है आपका आई आ जाएगा, आई आई उसके बाद ये कट जाएगा। आई थिंक माई शैडो लुक लाइक और लास्ट में आ जाएगा मी, ठीक हो गया, ये हो गया कंप्लीट। दूसरा है व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जंप, क्यों आप ऐसा सोचते हो, थिंक मीन्स सोचना, योर शैडो आपकी जो शैडो है जंप कूद जाती है इनटू बेड बिफोर यू कैन, आपसे पहले क्यों आपकी जो शैडो है वो क्यों जंप कर जाती है बिस्तर में। तो आंसर लिखोगे द शैडो इज नॉट अ फिजिकल थिंग, फिजिकल शैडो इज नॉट अ फिजिकल, फिजिकल की स्ट्रिंग होती है पी एच वाई एस आई सी एल, ठीक है पी एच वाई एस एस पी एच वाई एस आई सी एल थिंग टी एच आई एन जी। तो द शैडो इज नॉट अ फिजिकल थिंग एंड इट अपीयर ए पी ई ए आर, इट अपीयर यह दिखती है फास्टर देन लाइट एफ ए एस टी ई आर फास्टर टी एच ए एन देन एल आई जी एस टी लाइट। इट इज बिकॉज, अब क्यों, इट इज बिकॉज ऑफ, यह इसलिए बिकॉज ऑफ दैट माई शैडो जम्प इन टू बेड बिफोर आई कैन, इसीलिए इट इज बिकॉज बी ई सी ए यू एस ई, इट इज बिकॉज ऑफ दैट माई शैडो जम्प इन टू बेड बिफोर आई कैन, इसलिए वो मेरे से पहले कूद जाती है, क्यों, क्योंकि वह प्रकाश में जो है बहुत ज़्यादा जो है तेज हो जाती है या लंबी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो मेरे से पहले कूदती हुई नजर आती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ डे डू यू थिंक, कौन सा टाइम ऐसा होता है दिन का, डू यू थिंक आपको लगता है कि इट इज़ वैन योर शैडो इज टॉलेस्ट, कि आपकी जो शैडो है वो बहुत क्या दिखती है, लंबी दिखती है। तो आप बताओ कि कौन सा टाइम ऐसा हो सकता है दिन का जब आपकी जो शैडो है वो बहुत लंबी दिखेगी, ठीक है, तो कौन सा टाइम होगा भाई, मॉर्निंग टाइम होगा, टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, बिकॉज देखो यहाँ पर आंसर, सॉरी यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्यों, क्योंकि आफ्टरनून में आपका जो सन है वो जो है बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ जाता है, और जब सर के ऊपर सन आ जाता है तो आपकी जो छाया है वो छोटी बन जाती है, लेकिन जब लाइट आपकी एक साइड होती है तो मॉर्निंग में वो ऊपर नहीं होती, साइड में होती है, तो उस टाइम क्या होगा कि आपकी जो शैडो है वो बहुत लंबी दिखेगी, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया, और नाइट में तो दिखेगी ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए लाइट का ऑप्शन कैंसिल हो गया। रीड द लाइन फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, इज वेरी वेरी लाइक मी, He is very very like me. यह बिल्कुल मेरी तरह है, from the heel up to the heel, कहाँ से, heel से लेके head तक, ठीक है, तो ये पहला question ये कह रहा है कि who does her refer to, ठीक है, who does he refer to, किसने इसे जो है मतलब किसको जो है refer किया गया है, तो he refer to the shadow, तो answer आएगा he refer to the shadow। दूसरा है Who does me refer to? Who does me refer to? तो me जो
शब्द है कि मी, वो किसको रिफर किया है, मी मतलब मैं कौन, तो राइटर या पोएट जो बोलते हैं, तो मी रिफर टू द पोएट, आंसर लिखोगे मी रिफर टू द पोएट। थर्ड वन, वाई आर ही एंड मी अलाइक, ठीक है, वाई आर क्यों ही एंड मी अलाइक, वह और मैं दोनों एक जैसे हैं, ऐसा क्यों है, तो आंसर लिखोगे ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम, एग्जैक्टली की स्पेलिंग लिखोगे ई एक्स ए सी आई टी एल वाई, एग्जैक्टली लुक नहीं एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, एल आई के लाइक ईच ई ए सी एच ओ टी एच ई आर अदर, ओके ये भी आपका कन्फर्म हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब आते हैं अगला, वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग, कह रहा है कि पेयर में, वर्क इन पेयर जोड़े में, यानी दो दो लोग जो है, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, पेयर जोड़े में जो है डिस्कस करो, व्हाट क्या करते हो यू, डू इट डू, आप क्या ऐसा करते हो, इफ यदि अ डॉग चेज यू, यदि आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप क्या करते हो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, आई वुड नॉट रन एंड स्टॉप वॉक्स ले ली, अगर आप रन करोगे तो कुत्ता आपके पीछे आएगा, तो आई वुड नॉट रन, मैं भागता नहीं, एंड इंस्टीड इसके बदले वॉक स्लोली, वॉक डब्ल्यू एल के वॉक, वॉक स्लोली एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, ठीक है, इंस्टीड आई एन एस टी ई ए टी, तो आप लिखोगे इफ अ डॉग चेज मी आई वुड नॉट रन एंड इंस्टीड वॉक स्लोली, ओके ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट, यू हैव फॉरगेटन योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क करना भूल गए हो, कॉपी एट होम, फॉर कॉपी जो है होमवर्क की, वो आप घर भूल गए हो, तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप, क्या करोगे, आई वुड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज ए पी ओ एल ओ जी आई एस सी, अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना, आई वुड अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट, मैं इसके लिए अपने क्लास टीचर से क्षमा मांगूंगा, या आपको कुछ और लगता है तो यू कैन राइट डाउन, इफ आई एम अगला सॉरी, यू आर अलोन इन रूम एंड द लाइट गो आउट, इफ यू आर अलोन, यदि आप अकेले हो रूम में एंड द लाइट गो आउट, और लाइट जो है वो चली जाती है, तब क्या होता है बताओ, बताओ क्या होता है, इफ आई एम अलोन, तो आंसर लिखोगे इफ आई एम अलोन इन माई रूम एंड लाइट गो आउट, ये तो क्वेश्चन में ही आ गया, आई वुड लाइट अ कैंडल, बस आई वुड लाइट अ कैंडल, ठीक है मैं एक कैंडल जलाता हूँ, आई वुड लाइट अ कैंडल, ठीक हो गया, इसका भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं फन टाइम, साइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड, कह रहा है कि एक टॉर्च जलाइए अपने हाथ के पीछे, जैसे देखो ये इसमें ये कर रहा है, ठीक है ये आप इसमें देख रहे हो, ये बच्चा जो है क्या कर रहा है कि अपने हाथ के पीछे इसने टॉर्च जला रखी है, ये टॉर्च जला रखी है इसने अपने हाथ के पीछे, ठीक है, एंड सी द शैडो ऑन द वॉल, और इसकी शैडो इसकी छाया जो है वॉल पर देखो, देखो बड़ी बन रही है इसकी छाया, यहाँ पर बन रही है इसकी छाया बहुत बड़ी, ठीक है तो ये आ गया, तो ये एक बस एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे, और टॉर्च को थोड़ा सा घुमाइए फ्रॉम योर हैंड अपने हाथ से, एंड सी द शैडो ऑन द वॉल, और उसके बाद इस शैडो देखिए, तो आप इसको करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, क्या हो रहा है, डू यू फाइंड डिफरेंट इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल, डू यू फाइंड क्या आपको लगता है डिफरेंस इन साइज, आप देखना कि आपको जो पहले आपने किया और उसके बाद थोड़ा सा घुमा के जो टॉर्च किया कि आपको साइज में कुछ फर्क दिखा, जो साइज आपका वॉल पे शैडो में दिख रहा है वो आप खुद देखेंगे, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया क्या आया कि डू द एक्शन एज गिवन बिलो, एक्शन करो बिलो नीचे जो दे रखे हैं कि क्या एक्शन करना है, ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड, ठीक है तो जो भी ये देखो ये नीचे जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कह रहे हैं इनका एक्शन करो और देखो कि आपका हाथ का एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है तो अगर आप ठीक है आप क्या करोगे अगर आप देखो सबसे पहले अगर आप पॉइंट एट डोर
दरवाजे की तरफ अगर आप इशारा करोगे तो आप करो क्या करोगे, ठीक है, फोर फिंगर बाउंड, ठीक है, आप क्या करोगे, आप बताओ क्या करोगे। तो ये मेरे को लग रहा है कि जैसे आप क्या करोगे, एक अंगुली का इशारा करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, एक अंगुली का इशारा करोगे। ठीक हो गया, वन मिनट, ठीक है, वन मिनट। वन मिनट, हाँ वन मिनट प्लीज। तो आप पॉइंट एट डोर, जब आप दरवाजे की तरफ इशारा करोगे तो फोर फिंगर आप अपनी अंगुली का यूज करोगे, ठीक है। बाउंस अ बॉल, यदि अगर आप बाउंस बॉल को बाउंस करते हो, पाम स्क्रैच, पाम तो आप क्या करोगे, पाम पूरी हथेली पर लोगे ना उसको, ठीक है। स्क्रैच योर चिन, अगर आप जो है अपनी चिन ठुड्डी को खुजलाते हो तो आप क्या करोगे, फोर फिंगर वहीं अपनी अंगुलियों का यूज करोगे। ट्विस्ट योर ईयर, तब आप क्या करोगे, अगर आप अपने कान को पकड़ते हो या उस पर खुजली जो भी है उस तरीके का कुछ करते हो तो थंब, ठीक है, आप क्या करोगे, बेसिकली अगर आप उसको ट्विस्ट करते हो, पकड़ते हो, दबाते हो, प्रेस करते हो तो आप थंब, अपनी थंब का और फोर फिंगर का यूज करोगे, ठीक है। कॉम्ब योर हेयर, ऑल द फिंगर ड्रॉ विथ अ सॉरी ऑल द फिंगर, ऑल द फिंगर तो सॉरी जो फिंगर है उनका आप यूज़ करोगे। ड्रॉ विथ अ पेंसिल, ठीक है, ड्रॉ विथ अ पेंसिल तो आप क्या करोगे, वही फोर फिंगर का यूज़ करोगे। टच अ फ्लावर, ठीक है, जब आप एक फ्लावर का टच करोगे तब भी आप फोर फिंगर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसका आ गया ये आंसर, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है तो इसको बहुत ध्यान से देखना। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, तो आपने क्या करना है कि जो भी ये फिलअप दे रखा है और नीचे इसने आपका ब्रैकेट में ये जो वर्ड दे रखे हैं ये सब में यही वर्ड हैं, ठीक है, ये वर्ड हैं, इन्हीं वर्डों में से एक वर्ड को आपने क्या करना है, इसमें आपने फिलअप करना है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कि वेयर इज द चाइल्ड, ठीक है, वेयर इज द चाइल्ड। अब यहाँ पर क्या आएगा, हु हूज विच, कौन सा आएगा, पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, तो इसमें लिखोगे वेयर इज द चाइल्ड, हुज वह चाइल्ड कहाँ है, हुज जिसके पेरेंट्स माता पिता हैव कम टू स्कूल, जिसके माता पिता स्कूल में आए हैं, तो आप वो बच्चा कहाँ है, ठीक है, तो हुज आएगा इसमें, आप देखना हुज मत जी, वेयर इज द चाइल्ड, हुज जिसके, ठीक। आई सा मैनी हाउस, मैंने बहुत सारे घर देखे, आई सा मैनी हाउस, तो बेसिकली जो क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए हम ज़्यादातर विच का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नहीं, हम उनके लिए विच का ही यूज़ करते हैं। आई सा मैनी हाउस, मैंने बहुत सारे घर देखे, विच वर क्वाइट, ठीक है, तो आंसर आएगा विच, नो सॉरी ये आएगा विच वर क्वाइट स्पेशियस, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं। अब थर्ड वन आएगा मैथामेटिक्स, जो गणित है, अब गणित भी नॉन लिविंग थिंग है तो बिल्कुल, विच मैथामेटिक, विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग, मैथामेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, जो मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, इज सो इंटरेस्टिंग, यह बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगला नेक्स्ट आएगा द पोएम, द पोएम, अब पोएम आएगा तो इसमें आएगा द पोएम, ठीक है, अब इसमें हुज विच, तो हुज नहीं आएगा, विच या दैट में से एक आएगा, द पोएम विच यू रीड आउट इज सो लवली, तो विच यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, आएगा दैट, जिसे, ठीक है, जिसे उसकी तरफ, द पोएम जो यू रीड आउट, जिसे तुमने पढ़ा, इज सो स्लोली, तो यहाँ पर आएगा आपका दैट, यहाँ पर क्या आएगा आंसर, दैट आएगा, ठीक। अब अगले हैं, अगला आपका है फिफ्थ, ठीक है, पहले ये आ गया फिफ्थ, आई नो द स्ट्रीट, आई नो द स्ट्रीट, मैं उस गली को जानता हूँ, ठीक है, विच जिसकी ही लिव्स ऑन, आई नो द स्ट्रीट, आई नो द स्ट्रीट, आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, जहाँ वह रहता है, ठीक है, तो इसका आ गया विच। आई लाइक रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, तो इसमें क्या आएगा,
आई लाइक रीडिंग बुक, अब देखिए पोएम में भी वही चीज आई थी, बुक में भी वही आएगा, द आई लाइक रीडिंग बुक दैट हैव पिक्चर इन इट, ठीक है, दैट हैव पिक्चर इन इट, जिसमें क्या है पिक्चर होती है, द ओल्ड तो दैट आएगा इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आंसर दैट। अब आएगा फिफ्थ, सेवन्थ आएगा द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, ठीक है, द ओल्ड लेडी, ठीक है, क्या आएगा लास्ट में द ओल्ड लेडी, अब क्या आएगा हुम आएगा, पहले पढ़ लेते हैं, आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, जिस लेडी से मैं मिला था वो जो है, आई मेट इन योर, आपके घर में वो मेरी पड़ोसी है, तो हुम विच नहीं आएगा, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, दैट भी नहीं आएगा, तो विच हुम आएगा, हुम जिसे आई द ओल्ड लेडी हुम जिसे आई मेट इन योर हाउस में आपके घर मिला था वो क्या है मेरी पड़ोसी है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद भी कर लेना, लिख भी लेना, ये एग्जाम में लगभग लगभग 100% आता है, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। कंप्लीट दिस, ठीक है, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बाई आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो, ठीक है, अब ये क्या है देखिए हम पढ़ते हैं इसको, कह रहा है कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन, इसको कंप्लीट करो, आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो, व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द पॉग, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो इज द नेम ऑफ द डॉग, कि डॉग का नाम क्या है, व्हाई इज सी कॉल्ड दैट, ठीक है, व्हाई इज सी कॉल्ड दैट, वह उसे क्यों, क्या कह के क्या बुलाती है, व्हाट कलर सी, व्हाट कलर इज सी, उसका रंग क्या है, व्हाई इज सी कॉल्ड दैट, What color is she? उसका नाम क्या है? Do you think she is friendly? क्या तुम्हें लगता है वो friendly है? What does she like to eat? और वो क्या खाना पसंद करती है? तो चलिए उसे क्या बुलाया जाता है? उसका नाम क्या है? तो इसको हम जो है write a few line, तो आप लिख लो कुछ भी लिख लो उसमें नाम, कोई नाम का ऐसा तो है नहीं उसमें, मेरे को लग नहीं रहा इसका नाम कहीं दे रखा है, तो नाम आप कुछ भी डाल दीजिए इसमें, ठीक है, आपने अपने हिसाब से इसमें नाम डालना है, आपने डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, डॉगी डाल दिया, ठीक है, जो भी आपके नाम डॉग से होते हैं, इज़ अ वेरी साई क्या कहते हैं, तो ये आपका इसमें एक लाइन लिखी है, राइट आ क्या लिखी है आप देख रहे हो यहाँ पे, हाँ राइट आ फ्यू लाइन ऑन मिथु एंड हिज लिटिल डॉग, उसके मिथु एक लड़का है या लड़की है, लड़का हो सकता है, ठीक है, हिज लिटिल डॉग नेम, ठीक है, हिज लिटिल डॉग नेम शैडो, ठीक है, मिथु एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो, जिसका नाम छाया है, तो मिथु आप इसमें लिख सकते हो, मिथु इज अ वेरी साई बॉय, ही इज 10 ईयर ऑफ एज, मिथु हैज अ क्यूट डॉग नेम शैडो, मिथु लाइक टू कॉल हर शैडो एज सी ऑलवेज फॉलो, ठीक है, ही ईट्स दिस, ठीक है, ही वॉक विथ मी, वह मेरे साथ घूमता है, तो ये बहुत सारी एक एक यहाँ पर एक आप क्या कर सकते हो, ही ईट्स बोन, वह बोन खाता है, या ही टुक बोन फ्रॉम आउटसाइड, वह बाहर से बोन ले आता है, तो आप इसमें बहुत सारी कुछ भी मतलब इस तरीके का एक कहानी जैसी आप इसकी बना सकते हो, ठीक है, कहानी सोचो और उसके बाद आप इसको बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात नहीं, अब से अलाउड कर रहा है, इसको आप जोर से बोलो, सूज सैडो फिस बस सिप सीप डिस वॉश सेल सैडो विस ब्रश व्हेन द सन साइन, जब सूरज चमकता है, आई कैन सी मैं उसे देख सकता हूँ, माय सैडो राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरी सैडो जो है मेरे राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे आगे होती है, मेरे दाएं तरफ, व्हेन आई वॉक जब मैं घूमता हूँ, माय सैडो वॉक मेरी सैडो भी घूमती है, व्हेन आई होप जब मैं मेढक की तरह कूदता हूँ, माय सैडो होप मेरी सैडो भी कूदती है, व्हेन आई जंप जब मैं जंप करता हूँ, माय सैडो जंप मेरी सैडो भी जंप करती है, एंड व्हेन आई स्टॉप जब मैं रुकता हूँ, माय सैडो भी क्या हो जाती है, मेरी सैडो भी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो ये सैडो यहाँ पे दिखा रखी है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, तो ये हमारा लेसन हो गया है कम्प्लीट, ठीक है, आप एक प्रॉब्लम है कि आप ना मतलब इसका कुछ या तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सब समझ में आ जा रहा है, या फिर ऐसा है कि शायद आप कुछ पूछ नहीं रहो, अगर आपको लगता है कोई चीज़ टफ है तो बहुत अच्छा है कि आप मेरे से पूछोगे, कमेंट करोगे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तो आप जो है चलिए इसे कीजिए, कंप्लीट कीजिए, मैं नेक्स्ट लेसन के साथ फिर आपके सामने आता हूँ।